बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज मैं आपको बहुत ही बेहतरीन ज़र्दा बनाने की रेसिपी दूंगी। ज़र्दा बनाना बहुत ही आसान काम भी है और बहुत मुश्किल काम भी है, क्योंकि ये मीठे चावल हैं और इनमें चीनी और पानी का हिसाब रखना पड़ता है। तो आज मैं आपको दूंगी कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आपका ज़र्दा बहुत ही बेहतरीन किस्म का बनकर तैयार होगा और बड़ा खिला खिला सा होगा। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ, जिसके लिए यहाँ मैंने लिए हैं 2 कप सेला चावल, जिनको मैंने 3 से 4 घंटे के लिए भिगो दिया था। अब चावलों को उबालने के लिए एक कढ़ाई में खुला पानी डाल लेंगे और उसमें 3 इलायची मैंने छोटी ली हैं और 3 ही लौंगे ली हैं। इसकी बड़ी प्यारी ही खुशबू आती है जर्दे में। इसके बाद 1/2 टीस्पून इसमें मैंने डाला है जर्दा रंग। अब इसको पानी के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1/2 टीस्पून नमक और इसके बाद चावलों को इसमें शामिल करके तकरीबन 95-98% गला लेंगे, क्योंकि ये सीधा चावल हैं इसलिए हमने इनको ज़्यादा कच्चा नहीं रखना। इसके बाद एक कढ़ाई में लेंगे हम 1/4 कप घी। आपने प्रेफर करना है कि इसको घी में ही बनाएं। इसके बाद इसमें डालेंगे 3 इलायची और 3 लौंगे। फिर इसके बाद इसमें शामिल करेंगे 2 कप चीनी, क्योंकि हमने 2 कप चावल लिए थे इसलिए 2 कप ही इसमें चीनी शामिल की है। ये बड़ी अच्छी रेशो रहती है, जितने चावल लें आप उतनी ही चीनी शामिल करें। इसके बाद इसमें 1/4 कप दूध डाला है ताकि चीनी जो है वो पिघल जाए। अब चीनी को अच्छे तरीके से पका लेंगे और फिर उसके बाद हम इसमें चावल शामिल करेंगे। व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं कि चीनी मेल्ट हो चुकी है और चीनी को पकते हुए काफी देर हो चुकी है, ये आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद अब हम इसमें शामिल कर देंगे अब हमारे उबले हुए चावल। ये देखिए कितना प्यारा ज़बरदस्त सा इस पर कलर आया है। जब चावल डाल दें तो इसके बाद इसमें आप जो मेवे आप डालना चाहें वो शामिल कर सकते हैं, ताकि मेवों का भी एक अच्छा सा फ्लेवर इसमें आ जाएगा। अब चीनी के पानी को थोड़ी देर तेज़ आग पे आप लोगों ने पकाना है और उसको खुश करना है। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता चीनी का पानी खुश हो रहा है। आप चाहें तो दूध की जगह पानी भी शामिल कर सकते हैं, आप लोगों की मर्ज़ी है ये, लेकिन दूध डालें तो वो ज़्यादा बेहतर है, वो खोए की सूरत में आपको चावलों में नज़र आएगा। फिर इसके बाद इसमें बादाम शामिल कर देंगे। इनको आपने थोड़ी देर भिगो के इनका छिलका उतार लेना है और 2 पीसेस में करके इसमें शामिल कर देना है। ये देखिए पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। ये आप लोग इसकी कंडीशन देख सकते हैं कि पानी इसका ड्राई हो चुका है। अब हम इसको दम पे रख देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। ये देखिए 10 से 15 मिनट के बाद हमारे बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के चावल तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको डिश आउट करेंगे। डिश आउट करने के बाद आप लोग इस पे जो मेवे डालना चाहें वो डाल सकते हैं, जिस तरह से इसकी गार्निशिंग करना चाहें वो आप लोग कर सकते हैं, ये आप लोगों की चॉइस है। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे थम्स अप दीजिएगा और इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए।